सो है गाइस, वेलकम अगेन। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जो है हमने फिजिकल डेटा मॉडल के कंसेप्ट के बारे में जो है गो थ्रू किया था। आई ज्यूम कि आपको सारे पार्ट जो है क्लियर होंगे और आप उस पर प्रैक्टिस किए होंगे। अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और हमारा ये राइट टाइम है जहां पे जो है हम बात करें डेटाबेस स्कीमा के कंसेप्ट के बारे में। सो डेटाबेस स्कीमा इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेटाबेस। सो हमें डेटाबेस स्कीमा को जो है बहुत ही ध्यान से समझना है कि डेटाबेस स्कीमा बेसिकली हमें किस तरीके के टास्क में जो यूज आने वाला है और बेसिकली इसका क्या यूजेज है, हर एक चीज जो इन डिटेल में आज के इस वीडियो में जो हम बात करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। अभी तक आपने इस प्लेलिस्ट को सेव एज नहीं किया है तो जरूर करना, क्योंकि इस वीडियो सीरीज में मैं आपको डीबीएमएस रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है वो सारे कंसेप्ट जो है स्टेप बाय स्टेप कवर करवाने वाला हूँ। सो सबसे पहला जो हमारे माइंड में क्वेश्चन आने वाला है आफ्टर द व्यूइंग दिस सेंटेंस डेटाबेस स्कीमा कि बेसिकली स्कीमा होता क्या है। सो बेसिकली हमारा स्कीमा जो है लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी डेटा का इनसाइड द डेटाबेस। सो आपके पास अगर कोई डेटा है तो उस डेटा को कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे लॉजिकली इन डेटाबेस, वो काम जो है हमारा डेटाबेस स्कीमा के थ्रू होता है, स्कीमा का काम होता है। सो आई होप आपको स्कीमा का जो है बेसिक आइडिया लग गया होगा कि किसी भी डेटा को जो है हम डेटाबेस के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं। अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है और उस इन्फॉर्मेशन को जो है डेटाबेस के अंदर अगर आप शो कराना चाहते हो, रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो कैसे करोगे, वो हमारा जो है स्कीमा होता है, राइट। सो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो यहाँ पे जो है मैंने डेटाबेस स्कीमा रिलेटेड जो है कुछ फीचर्स जो है लिख रखे हैं। सो तीनों पॉइंट को वन बाय वन समझते हैं। सो हमारा जो डेटाबेस स्कीमा है इसके अंदर जो लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स होता है। सो अभी एट्रीब्यूट्स क्या होता है, जब हम एआर डायग्राम की तरफ जो है गो थ्रू करेंगे तो वहां पे जो आपको एट्रीब्यूट्स का कंसेप्ट जो है समझ में आएगा। सो हमारा जो डेटाबेस स्कीमा होता है उसके अंदर जो है लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स होता है। सो डेटाबेस स्कीमा गिव्स इंस्ट्रक्शन टू डेटाबेस हाउ टू ऑर्गेनाइज डेटा। सो बेसिकली वही बात है कि जो हमारा डेटाबेस स्कीमा है वो इंस्ट्रक्शन देता है आपके डीबी को, जो भी डीबी आप यूज करोगे उसको इंस्ट्रक्शन देगा कि आप अपने डेटा को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करने वाले हो, किस तरीके से जो है उसको रिप्रेजेंट करने वाले हो। तो ये काम जो है हमारा डेटाबेस स्कीमा का है। ऑल्सो थर्ड पॉइंट यहाँ पे टेल अबाउट द रिलेशन बिटवीन एलिमेंट स्टोर इनसाइड डेटाबेस। सो अगर आप डेटाबेस के अंदर एलिमेंट को स्टोर कर रहे हो, एलिमेंट इन द सेंस अगर मैं स्कूल वाले डेटाबेस का एग्जांपल लूँ जो अभी हम लास्ट कुछ वीडियो में जो यूज कर रहे हैं स्कूल डेटाबेस, तो उसमें हमारे पास एज ऑफ नाउ दो एलिमेंट, वन इज द स्टूडेंट और वन इज द जो हमारा कोर्सेस है। तो इस दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, अगर स्टूडेंट ने कोर्स परचेज किया है तो इस दोनों का रिलेशन होगा। तो इस रिलेशन को भी जो है बेसिकली डेटाबेस स्कीमा जो है डीबी को बताता है, राइट। सो ये काम जो है हमारा डेटाबेस स्कीमा का। तो ओवरऑल आपको ये आइडिया लग गया होगा कि हमारा जो डेटाबेस स्कीमा है इसका क्या यूजेज है इन डीबी। सो बेसिकली आपका जो डेटा है उसको रिलेशन बताना, देन इंस्ट्रक्शन देना कि आपका डेटा किस तरीके से जो डेटाबेस के अंदर ऑर्गेनाइज होगा, जितने भी डेटा है उसके अंदर क्या क्या रिलेशन है, कौन डेटा किसके साथ लिंक है, ये काम भी जो हम डेटाबेस स्कीमा के थ्रू ही करने वाले हैं। सो अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करूँ कि डेटाबेस स्कीमा जो किस तरीके से दिखेगा, सो अगर सेम एग्जाम्पल लेते हैं, स्कूल के अंदर जो हमारा स्टूडेंट है, स्टूडेंट के लिए अगर हमें स्कीमा प्रिपेयर करना है तो उसके अंदर हमारा ये चार बॉक्सेस होंगे। लेट्स एज ऑफ नाउ हम चार बॉक्स रख रहे हैं, तो इसमें एक बॉक्स में हमारा आईडी होगा, देन नेम हम स्टोर करा रहे होंगे, देन कोर्सेस हम करा रहे होंगे कि कौन से कोर्स को जो है उन्होंने ज्वाइन किया, और मैट भी आप जो है एड्रेस करा सकते हो, राइट। सो इस तरीके से और भी एट्रीब्यूट यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये जो है हमारा बेसिकली एक स्टूडेंट का स्कीमा हो जाएगा। सेम इसी तरीके से जो आप एक और स्कीमा क्रिएट कर सकते हो फॉर कोर्सेस फॉर अनदर थिंग, तो ये बेसिकली हमारा जो है स्कीमा होगा जो कि कुछ इस तरीके से जो है डीबी में अपना रिप्रेजेंट करेगा। तो आई होप आपको ये टर्म जो है डेटाबेस स्कीमा समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम अगर चलते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाई डू वी नीड स्कीमा, बेसिकली हमारे पास स्कीमा का जरूरत क्यों आया। सो देखो, अगर आप स्कीमा यूज नहीं करते हो और डेटाबेस के अंदर जो है आप जो है कोई डेटा स्टोर कराओगे तो क्या होगा, आपका डेटा जो है अनस्ट्रक्चर वे में जो है स्टोर होगा डेटाबेस में, क्योंकि स्कीमा का मेन काम है कि आपके डेटा को स्ट्रक्चर करना। लेकिन अगर स्कीमा यूज नहीं करोगे तो आपका जो डेटा है वो अनस्ट्रक्चर वे में डेटाबेस के अंदर जो है स्टोर होगा। तो जब आप डेटाबेस से डेटा को रीड कर रहे होगे, रिट्रीव कर रहे होगे, तो वहां पे जो है आपको स्ट्रक्चर डेटा नहीं मिलेगा। जबकि आपको कैसा रहेगा, जब कभी भी आप वहां से डेटा को रीड करने जाओगे तो आप चाहोगे कि हमेशा जो मुझे स्ट्रक्चर डेटा मिले। सो दैट्स व्हाई
हम जो है यहाँ पे स्कीमा यूज करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो वही पॉइंट यहाँ पे मैंने लिख रखा है, द डेटा इज स्टोर एज अनस्ट्रक्चर्ड फाइल इन डीबी बट टू एक्चुअली एक्सेस द डेटा वी नीड टू स्ट्रक्चर देम, राइट। सो हमारा जो डेटा होता है वो अनस्ट्रक्चर में सेव रहेगा, और अगर हम उसको रीड करना चाहेंगे तो हम चाहेंगे कि हमारे पास जो एक स्ट्रक्चर मैनर में जो है हमारा डेटा आए। अगर कोर्स का इन्फॉर्मेशन अगर हम गेट करना चाह रहे हैं डीबी में, तो कोर्स का पूरा स्ट्रक्चर जो है हमारे पास आए। तो इसके लिए जो है हम स्कीमा यूज करते हैं, विच स्ट्रक्चर द अनस्ट्रक्चर फाइल इनटू स्ट्रक्चर फाइल, मतलब कि ये हेल्प करता है किसी भी अनस्ट्रक्चर फाइल को स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने के लिए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके माइंड में आ सकता है, ओके, जो हमारा डेटाबेस स्कीमा है वो हमारे डेटा के अंदर जो है बेसिकली स्ट्रक्चर करके रखेगा, तो डेटाबेस का क्या काम है, मतलब दोनों में डिफरेंसेस क्या है, डेटाबेस और डेटाबेस स्कीमा दोनों में क्या डिफरेंसेस है। तो उन डिफरेंसेस को जो है एक बार हम गो थ्रू करते हैं। तो डिफरेंसेस बिटवीन डीबी एंड डीबी स्कीमा, दो अलग अलग टर्म है लेकिन दोनों में एक कॉमन टर्म आपको दिख रहा होगा विच इज अ डीबी, लेकिन दोनों का यूजेस जो है अलग अलग है। बेसिकली हमारा जो डीबी होता है वो हम किसके लिए यूज करते हैं, तो कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा, जो हमारा इंटर रिलेटेड डेटा है उसको कलेक्शन करने के लिए जो हम डीबी को यूज करते हैं। वेयर है जो हमारा डीबी स्कीमा इट जस्ट अ स्ट्रक्चरल व्यू, मतलब जस्ट हमारे डेटा को स्ट्रक्चर करके व्यू देता है और कुछ नहीं काम है। वेयर है जो आपका डीबी है वो डेटा को स्टोर करने के लिए जो यूज आता है। सेकेंड पॉइंट अगर आप इसको और फर्दर लेके जाओगे तो इट्स एक्चुअली कंटेंस द डेटा, एक्चुअली कॉमन बात है कि आपके डीबी के अंदर जो डेटा स्टोर है वो एक्चुअल में डेटा स्टोर करके रखता है। वेयर एज डीबी स्कीमा के अंदर जो है हम किसी भी तरीके का डेटा को स्टोर करके नहीं रखते हैं, इट डजंट कंटेन एनी डेटा ऑफ इट्स ऑन, मतलब ये अपने पास कोई भी डेटा को स्टोर करके नहीं रखता। वेयर एज डीबी के अंदर जो आपको डेटा स्टोर मिला होगा। अगर और फर्दर आगे बढ़ोगे तो आपका जो डीबी है, जो डेटाबेस है, उसके अंदर जो भी डेटा है उसको आप जो है चेंजेस कर सकते हो, राइट। सो जो ऑलरेडी डेटा आपके पास अवेलेबल है उसको जो है चेंजेस कर सकते हो जो ऑलरेडी डीबी के अंदर है। बट इन डीबी स्कीमा जनरली हमारा जो डीबी स्कीमा डिजाइन होता है वो जो है जनरली चेंज नहीं होता है। तो आप यहाँ पे थर्ड पॉइंट जो है राइट डाउन कर लेना, डेटा चेंजेस वेयर एज जो हमारा डीबी स्कीमा है डीबी स्कीमा डजंट चेंज। तो ये मेन डिफरेंसेस है हमारा डेटा बेस और डेटाबेस स्कीमा। सो आई होप आपको डेटाबेस स्कीमा का कंसेप्ट जो है समझ में आ गया होगा। एक और टर्म को जो है मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ आज के इस वीडियो में, विच इज अ इंस्टेंस। सो अभी इंस्टेंस क्या होता है, जो कि हमारा रिलेटेड है डेटाबेस स्कीमा को लेके। सो अभी इंस्टेंस को समझते हैं, डिफिनेशन को एक बार हम गो थ्रू करते हैं। आई नो कि ये जो डिफिनेशन मैंने लिखा है इससे आपको ज्यादा क्लैरिटी नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा ना, आफ्टर द डिफिनेशन आपको इंस्टेंस का भी जो है कंसेप्ट समझ में आने लगेगा। डेटाबेस स्कीमा डिफाइन द वेरिएबल डिक्लेरेशन इन टेबल दैट बिलोंग टू अ पर्टिकुलर डेटाबेस, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच आर जस्ट डिफाइंड अ गिवन मोमेंट ऑफ टाइम आर कॉल्ड द इंस्टेंस। तो दो पॉइंट है, दो अलग अलग पॉइंट है। डेटाबेस स्कीमा जो है डिफाइन करता है वेरिएबल डिक्लेरेशन, जो अभी हमने देखा, मतलब बेसिकली स्ट्रक्चर बनाने में हमें हेल्प करता है। जो हमारा इंस्टेंस होता है ना वो अलग चीज है। अभी ये अलग चीज क्या है इनको जो है मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। सो लेट्स जूम, यहाँ पे सेम एग्जाम्पल लेते हैं, जो स्टूडेंट स्कीमा अभी हमने जो बनाया था जहाँ पे स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन हमने स्टोर कर किया था, तो सेम एग्जाम्पल लेते हैं। सो लेट्स जूम, आपके पास जो है स्टूडेंट का कुछ ऐसा स्कीमा है और यहाँ पे आपने क्या किया, कुछ इन्फॉर्मेशन जो है स्टूडेंट का फिल किया, आई मीन एक स्टूडेंट को जो है आपने अपने स्कीमा के थ्रू जो है ऐड किया। तो 101 उसका आईडी हो जाएगा, देन नेम विवेक हो जाएगा, एड्रेस लेट्स जूम पुणे, और कोर्स जो है उसका CS101। सो एज ऑफ नाउ ये जो अभी आपका एरिया है, जो अभी आप इस टाइम पे मान के चलो ये जो है 2 PM में जो है इन्होंने ये डेटा को इंसर्ट किया, तो एट अ 2 PM हमारा जो एक इंस्टेंस हो जाएगा, आपका जो डीबी है उसका एक ये इंस्टेंस हो जाएगा। ये हमारे लिए एक जो है मोमेंट है, तो ये हमारा जो है एक इंस्टेंस हो जाएगा। तो आई होप आपको ये इंस्टेंस का आइडिया लग गया होगा कि जो आपका डीबी है उसके अंदर अगर कोई नया, एज ऑफ नाउ मैं ऐसा समझा रहा हूँ कि नया अगर एंट्री आया तो वो उसके लिए जो एक इंस्टेंस हो जाएगा। सो लेट्स अज्यूम आप एक और डेटा को इंसर्ट कर रहे हो, जहाँ पे जो है 105 इज द आईडी नंबर ऑफ स्टूडेंट, देन नेम जो है पुष्पा हो गया, देन एड्रेस पटना हो गया, और कोर्स आईडी लेट्स अज्यूम CS102, उन्होंने कोर्स ज्वाइन किया। तो इस समय पे जो है आपको एक नया इंस्टेंस मिल गया, लेट्स अज्यूम ये T2 इंस्टेंस है, क्योंकि हमारे पास एक नया डेटा जो है यहाँ पे देखने को मिला है। तो ये दो इंस्टेंस हो गया, इससे पहले जो हमारा था विच इज दिस वन, ये हमारा एक अलग इंस्टेंस है, विच इज इंस्टेंस वन आप नाम दे सकते हो, और ये जो है हमारा एक अलग इंस्टेंस है विच इज इंस्टेंस टू।
क्या होगा कि जो ऑलरेडी हमारे पास डेटा है, यहाँ पे हम कोई भी डेटा को जो है चेंज कर दे, लेट्स अज्यूम इस स्टूडेंट का जो है कोर्स एनरोलमेंट एक जो है और बढ़ गया, लेट्स अज्यूम इसका कोर्स एनरोलमेंट जो है CS 103 में भी हो गया, तो क्या ये हमारे लिए जो है T3 इंस्टेंस होगा, एक नया इंस्टेंस क्रिएट होगा? तो नो, यहाँ पे जो है हमारा नया इंस्टेंस क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो आपके पास डेटा था उसी में जस्ट आपने चेंजेज किया, नया डेटा आपने इंसर्ट नहीं किया, आपके पास जो डेटा था उसी में जो है चेंजेज किया। तो आई होप आपको इस एग्जांपल से आइडिया लग गया होगा कि हमारा जो है इंस्टेंस क्या होता है। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपको स्कीमा और इंस्टेंस का जो है कंसेप्ट क्लियर होगा। इसमें कहीं भी कोई डाउट है तो आप जो है कॉमेंट करके जो है पूछ सकते हो। बाकी इसके रिलेटेड कुछ क्विज और जो भी नोट्स है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से चेकआउट कर लेना। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे जो है हम इनसे आगे के टर्म्स के बारे में गो थ्रू कर रहे होंगे।